यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल इन एवरी सेक्शन? माय वॉइस इज क्लियर? ओके जी, चलिए चलिए टॉपिक पर. रिवाइज किया सबने? रिवाइज किया टॉपिक? कल जो हमने काम किया था, क्या क्या किया था, कौन बताएगा? Which topics we have covered yesterday? Yes. Okay. Right. तो कोई डाउट अगर कोई पूछना चाहते तो? Anyone having any doubt? कोई ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में ओम्स लॉ के ग्राफ किए थे हमने. कोई उन क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो, किसी फॉर्मूला फॉर्मेशन में डाउट हो, एनीवन कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. नो डाउट? नो डाउट. वेरी गुड. सो यस्टरडे वी आर लेफ्ट विथ एजर्शन एंड रीजन. मैंने आपको बोला था घर से करके लेकर आना, इट विल बी योर होमवर्क. तो कर ले एक बार डिस्कस जल्दी से इन योर शेड्यूल 1. ठीक है, चलिए. सो द क्वेश्चन नंबर 16 इन यस्टरडेज मॉड्यूल. क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल पीस ऑफ रबर इज मोर देन दैट ऑफ सिमिलर पीस ऑफ कॉपर. चलिए पहले तो मुझे ये बताइए, फ्रॉम स्टूडेंट्स लिस्ट कहाँ पर है यहाँ पे निकाल के? यस, फ्रॉम 10 थे हर्षप्रीत सिंह. हर्षप्रीत सिंह फ्रॉम क्लास 10th ए. इज ही प्रेजेंट? ओके. यस बेटा, व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? Yes. In any language you can speak, Hindi, English, Punjabi, you can speak in any language. I just want the basic idea, resistance का मतलब क्या होता है? Yes. Yes, बेटा. अर्शदीप सिंह फ्रॉम क्लास 10 थे. अर्शदीप फ्रॉम क्लास 10th ए. आपके क्लास 10th है बेटा, बहुत कंजस्टेड होकर बैठी है. अगर आपको माइक के पास आना है तो आपको रास्ता नहीं है बिल्कुल भी आने के लिए. आई थिंक स्पेस नहीं है आपके डेस्क में ना बिल्कुल भी. हाँ जी सर. ओके ठीक है. ओके यस, क्लास 10th अर्शदीप. टेंथ का माइक ऑन बोल है? अर्शदीप, आर यू स्पीकिंग समथिंग? इट्स नॉट ऑडिबल. मैम, अर्शदीप ने कोई आंसर दिया है? क्लास 10 थे. यस, ओके. मुझे लग रहा है वो भी उससे पहले भी हर्षप्रीत ने भी एक्शन तो वो कर रहा था, पर आई थिंक अब साउंड प्रॉब्लम थी. यस, कैन यू रिपीट इट? नहीं आ रही है वॉइस, बिल्कुल क्लियर नहीं है. मैं क्वेश्चन रिपीट करना, ओके, आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? मैं रुकावट, रुकावट ऑफ व्हाट? रुकावट मैं ठीक है, किस चीज के लिए रुकावट है वो? किस चीज को? करंट करंट फ्लो के लिए। फ्लो के लिए. रेजिस्टेंस बेसिकली अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इट्स डेफिनेशन इज. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? यस, कौन बताएगा अभी मुझे? फ्रॉम 10th बी वरुण. 10th बी वरुण.
पास्ट प्रेजेंट नहीं है, यस महक, 10th बी महक, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स? डू यू नो व्हाट आर, आप बोल रहे हो बेटा कुछ, क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो प्रॉपरली एंड वॉइस आ नहीं रही है मेरे पास आपकी. आर यू स्पीकिंग समथिंग? यस, इंसुलेटर अभी थोड़ी. इंसुलेटर्स, वेरी गुड वेरी गुड. ठीक है, अभी देखो बेटा, क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड था. क्वेश्चन नंबर 16, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ रबर इज मोर देन दैट ऑफ सिमिलर पीस ऑफ कॉपर, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, क्योंकि रबर है एक इंसुलेटर और कॉपर हमारी एक मेटल है जो कि एक कंडक्टर होती है. ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो मेटल्स आर कंडक्टर. नाउ रीजन इज, रबर इज एन इंसुलेटर वेयर एज कॉपर इज अ मेटल. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सेवेंटींथ क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज मिली एम्पियर, अच्छा बट यूनिट तो होती है, मिली एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. यस, ट्रू नहीं हो सकता ये बेटा. एसआई यूनिट आर फिक्स्ड, दीज आर द अनदर स्मॉलर यूनिट्स, बट दीज आर नॉट एसआई यूनिट. ऐसे तो करंट की एक यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, दीज आर स्मॉलर यूनिट्स. ऐसे बिगर यूनिट्स भी होती हैं, बट हम बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की. तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज ओनली एम्पियर, राइट? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा फॉल्स. गुड, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? डी ए कैसे हो जाएगा? डी फर्स्ट इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. नाउ 18th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. ट्रू यस, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स ओनली. फॉल्स फॉल्स, क्यों? क्योंकि सिर्फ कंडक्टर के लिए नहीं होता. कल मैंने आपको एक NaCl की एग्जाम्पल देकर बताया था कि सोडियम और क्लोरीन को अगर पानी में डिजोल्व कर लो, दिस विल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें लिख लो. राइट आंसर इसका कब बन जाएगा? जब इलेक्ट्रोलाइट वर्ड इसके अंदर ऐड हो जाएगा ना, इससे सेम लाइन में, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, तब ये रीजन हमारा ट्रू हो जाता. ठीक है, 19th क्वेश्चन, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मीन्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी. फॉल्स फॉल्स, रीजन, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, वेयर इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. सी, नो ट्रू. ठीक है, रेजिस्ट, जब दो यूनिट्स में ही फर्क आ गया है, दो चीजों की यूनिट में ही डिफरेंस है, तो वो सेम क्वांटिटी तो हो ही नहीं सकती है. ठीक है बेटा, समझ आया? नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, कौन मुझे बताएगा? रेजिस्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है? क्या रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम है? नहीं, सेम नहीं है. रेजिस्टेंस हमारी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? लेंथ, है ना, एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल दो या थिकनेस बोल दो. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अदरवाइज इसको अनदर टर्म में हम थिकनेस भी बोल सकते हैं. और किसके ऊपर डिपेंड करती है?
टेम्परेचर दैट येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड टेम्परेचर समर और विंटर वाला एक क्वेश्चन किया था टेम्परेचर एंड लास्ट इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है क्या हम इन चारों फैक्टर्स को रेजिस्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं यस हम नहीं कर सकते बेटा रेजिस्टिविटी के लिए सिर्फ दो फैक्टर आते हैं मेजरली जो होते हैं जो मेजरली होते हैं दैट इज मटेरियल अगर मटेरियल चेंज होगा तभी रेजिस्टिविटी बदलेगी ठीक है सेकेंड थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी के ऊपर फर्क पड़ता है ड्यू टू टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का लेंथ कम कर दो या ज्यादा कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थिकनेस उसकी कम कर दो या ज्यादा कर दो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सपोज करो आई हैव दिस पेपर है ना रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं दिस पेपर इज मेड ऑफ सम कार्बन कार्बन का बना होता है ये पता है आप सबको पेपर्स ट्री से ट्री पल्प से है ना वुड के पल्प से बनते हैं एंड उसके अंदर कार्बन होता है ठीक है कैसे पता चलेगा ये कार्बन का बना हुआ है कैन एनीवन टेल मी हाउ यू कम टू नो दैट दिस पेपर इज मेड अप ऑफ कार्बन रेजिस्टिविटी वो तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा देखो हम क्या करेंगे इसको बर्न कर देंगे एक सीधे से तरीके से पूरे पेपर को बर्न कर दिया विल यू लेफ्ट विद एनीथिंग थोड़ी बहुत अगर बचेगी तो ऐश बचेगी थोड़ी बहुत अदरवाइज नथिंग विल बी लेफ्ट ठीक है तो वो प्रूव करता है कि द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन ये तो एक्सपेरिमेंट सबने कर ही रखा होगा पेपर को कागज कुगज को जलाने वाला थोड़ा बहुत ऐश बचता है वो भी ब्लैक कलर का होता है ठीक है सो दैट प्रूव दैट द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन चलिए अब मेन चीज हम बताते हैं जैसे कि ये पेपर है मेरे पास क्या मैंने इसकी इसके देखो मैंने क्या किया इसको फोल्ड कर दिया इसका साइज छोटा कर दिया क्या इसकी थिक क्या इसका मटेरियल चेंज हुआ फोल्ड करने से नहीं हुआ नहीं अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ इट मींस दिस पेपर हैज सेम रेजिस्टिविटी एज द अर्लियर वन जो अभी रेजिस्टिविटी है इसकी पेपर फोल्ड होने से भी वही रेजिस्टिविटी है मैंने इसको और भी फोल्ड कर दिया क्या अभी मटेरियल चेंज हुआ नो स्टिल इसकी रेजिस्टिविटी सेम है क्या अभी मटेरियल चेंज हुआ बताइए क्या मटेरियल चेंज हो रहा है नहीं अभी भी इसकी रेजिस्टिविटी सेम आ रही है जब तक इस पेपर का मटेरियल नहीं चेंज होगा तब तक रेजिस्टिविटी सेम रहेगी मैं अनदर पेपर ले लूं अनदर क्वालिटी का पेपर ले लूं कलर्ड पेपर ले लिया प्लास्टिक शीट ले ली फिर रेजिस्टिविटी बदल जाएगी दो डिफरेंट मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी समझ आया आपको यस टिल टाइम मटेरियल चेंज नहीं होगा रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी मैंने लेंथ भी चेंज की मैंने पेपर की थिकनेस भी चेंज की पहले पतला था बहुत ज्यादा देखो अब कितने थिक हो गया ये चीज थिकनेस भी चेंज की बट दोनों चीजों के चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कंफ्यूज करके जाता है ठीक है हम रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को सेम मानते हैं सुनने में नाम एक जैसा लग रहा है अच्छा रेजिस्टिविटी का एक नाम और होता है किसी को पता है इसको और क्या बोलते हैं तो दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझ आया बच्चे इतना चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स तो क्या बोलोगे मटेरियल टेम्परेचर व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर मटेरियल वेरी गुड चलिए वर्कशीट के क्वेश्चंस हो गए हमारे पूरे उसके चलिए एक क्वेश्चन रहता है हमारा नहीं सारे ऑल द क्वेश्चंस आर डन लास्ट कर लिया हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मींस द सेम फिजिकल क्वांटिटी फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू
अगेन द राइट आंसर इज डी. ठीक है, चलिए नाउ कम टू योर मॉड्यूल टू. कम टू योर मॉड्यूल टू. इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, साथ साथ में जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा समझाने वाला आई विल डिस्कस. चल फर्स्ट क्वेश्चन. इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट आर मेजर्ड. ठीक है, मेजरिंग कर ली गई है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक ग्राफ प्लॉट कर दिया गया है. शो दैट द डेटा कंफर्म्स ओम्स लॉ एंड फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. आपके पास बेटा अभी एक ग्राफ बना बनाया पड़ा है, उसको आपने कंफर्म करना है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. बताइए कैसे पता चलेगा वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. कोई बता सकते हैं ग्राफ को देख के कैसे पता लग रहा है? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है इट मीन्स इट इज फॉलोइंग द ओम्स लॉ. सीधी सी बात है. सेकेंड वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे करेंगे? ये आपका 1.2 पर है, ये मार्क कर लो बेटा. 1.2 कर लो, एक कर लो 2.4, फिर 3.6 है एंड देन 4.8 है. ठीक है, वैल्यूज इस तरीके से हैं. समझ आ गया? ठीक है, नाउ स्ट्रेट लाइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस कंडक्टर इज शोइंग ओम्स लॉ. सेकेंड इज रेजिस्टेंस. फॉर रेजिस्टेंस व्हाट इज द फॉर्मूला? आपको एक तरीका बताती हूँ मैं याद करने का. वैसे तो मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं ये याद, कुछ बच्चों के लिए जो इस फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं कि आर इज इक्वल्स टू क्या है, वी इक्वल्स टू क्या होते हैं, I equals to क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है. जैसे सिंपल है याद हो जाता है. हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, आपने यहाँ पर V लिखना है, यहाँ I लिखना है, यहाँ R लिखना है. ठीक है, यहां पर आप डाल दो डिवीजन का साइन, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन. बस आपका फॉर्मूला रेडी है. V इज व्हाट? I इंटू R. I इज व्हाट? V अपॉन R. एंड R इज व्हाट? V अपॉन I. यू कैन रिमेंबर इट लाइक वीर, वी आई आर, वीर. ठीक है, इज इट क्लियर? कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. किसी को लगता है कि लेटर ऑन भूल जाते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं कई बार फॉर्मूलास, क्योंकि मैंने टेस्ट चेक करते हुए बहुत बार देखा है बच्चों को गलत फॉर्मूला अप्लाई करते हुए. ठीक है, तो यू कैन राइट. शुड आई कंटिन्यू? यस. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? वी ऑन आई. वी दिस इज वी एंड दिस इज इन वोल्ट. नाउ दिस इज करंट, दिस इज इन एम्पियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? आप इसमें से कोई भी एक पेयर चूज कर लो बेटा, चाहे आप 4 और 4.8 वाला ले लो. यू कैन चूज द पेयर ऑफ 3 एंड 3.6 ऑल्सो. यू कैन चूज द पेयर ऑफ 2 एंड 2.4 ऑल्सो, 1 एंड 1.2 ऑल्सो. ये थोड़ा सा लाइन शिफ्ट हो रही है. आप कोई भी एक पेयर चूज करके R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. तो आई एम चूजिंग द लास्ट वन, 4.8 अपॉन 0.4. सो डेसिमल एंड डेसिमल विल कैंसिल आउट. तो ये बनेगा आपका 48/4, विच विल गिव्स यू 12 ओम्स.
राइट बेटा. सो आर इज 12 ओम. दिस इज योर आंसर. इज दैट क्लियर? यस. एनी डाउट? तो बेटा ग्राफ का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, पूछ लेते हैं, कई बार ग्राफ बनाना भी आ जाता है. हो सकता है आपको ये ग्राफ बनाना भी आ जाता, आपको ऐसे वैल्यूज दे रखी होती यहाँ पर आई और वी, और जैसे आई की वैल्यू दे देते 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाती 1.2, 2.4, 3.6, 4.8. तो पहले बोलते कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो एंड देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. राइट बेटा? ठीक है जी, चलें आगे. क्वेश्चन नंबर टू. अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड. एक टॉर्च बल्ब है, जब वो ठंडा है, अभी ऑन ही नहीं किया हमने टॉर्च को, तब उसका रेजिस्टेंस बोल रहे हैं 1 ओम है. और कितना करंट विड्रॉ कर सकता है वो जब उसको ऑन करेंगे? 300 मिली एम्पियर. कितना करंट विड्रॉ करते हैं? 300 मिली एम्पियर. 300 मिली एम्पियर. सो हमें फर्स्ट थिंग दे रखी है I इज इक्वल्स टू 300 मिली एम्पियर. राइट? आगे दे रखे व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 एम्पियर लिखा हो बेटा, उसको V वोल्ट कर लीजिए, 3 वोल्ट कर लीजिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V हमें दिया हुआ है 3 वोल्ट. कैन वी यूज मिली एम्पियर एज अ यूनिट? हमारी एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? तो बेटा जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कई बच्चों को डाउट होता है कि हम यूनिट कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं. हम क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करते हैं इन द एसआई यूनिट मोस्ट ऑफ द टाइम. आई कांट से ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज एसआई यूनिट. सो हम इस 300 मिली एम्पियर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इसकी एसआई यूनिट जो की होती है एम्पियर. तो 300 मिली एम्पियर इज हाउ मच एम्पियर? 300 × 10⁻⁻¹. राइट? तो ये मेरे पास एम्पियर में कन्वर्जन आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस? अभी क्या था ऑरली सोचो, वी आई आर, वीर. आर क्या बनेगा? वी अपॉन आई. तो व्हाट इज वी? 3. आई इज 300 × 10⁻³. 3/300 एंड दिस कैन बी रिटन एज 10⁻³. सो इट 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, सो इट विल बिकम 30/3 एंड इट विल बिकम 10 ohms. ठीक है? अब डिफरेंस पूछ रहे हैं देखो. एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस. दिस इज द मेजर पार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल तो सिंपल ही था, पहले भी कर चुके हैं. अब इसमें डिफरेंट क्या चीज थी? जब टॉर्च बल्ब कोल्ड था तब उसका रेजिस्टेंस सिर्फ 1 ohm था, जब ये हॉट हो गया, ऑन कर दिया गया, तो इसका रेजिस्टेंस 10 ohm हो गया. वही बल्ब है जब ठंडा था, तो तभी हम एक फैक्टर लिखते हैं ना रेजिस्टेंस. अभी मैंने फैक्टर्स लिखे थे तो उसमें मैंने टेम्परेचर लिख कर दिया था आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. अभी देखो कितना डिफरेंस आया. जब बल्ब कोल्ड था तो रेजिस्टेंस 1 ohm था, और जब बल्ब हॉट था, हमने बल्ब को ऑन कर दिया, तो रेजिस्टेंस बन गया उसी बल्ब का 10 ohms. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होती है. ठीक है, चलिए. आपके यहाँ पे रूम में लाइट्स हैं, फैंस हैं, जब ये इनिशियली स्टार्ट होते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस थोड़ी कम होती है, बट जैसे जैसे इनकी मोटर जो होती है, फैन की जो मोटर है, मोटर होती है ना फैन के अंदर, मोटर लगी होती है, जैसे जैसे वो चलता रहेगा, वो गर्म होता जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी फर्क पड़ जाता है पहले से. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, अगर अभी टाइम बचा तो हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करोगे. नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. अच्छा, एक चीज हमने अभी डिस्कस की कि जो रेजिस्टेंस होता है
दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अभी किया था ना, रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. हाउ इट डिपेंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. मतलब क्या है, अगर मैं लेंथ इंक्रीज कर दूं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा. सपोज करो एक मेरे पास ये वायर है, दिस इज अ वायर ऑफ सम लेंथ. मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी बाय यूजिंग द सेम मटेरियल ऑफ अनदर वायर. लेंथ डबल हो गई, हो गई. Yes. इस वायर का रेजिस्टेंस अगर मैं 2 ohms मान लूं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 2 ohms. अब अगर लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 ohms हो गया. समझ आई ये चीज? Yes. हाँ चलो, अब सपोज करो इस वायर को मैंने इसके ऊपर फोल्ड कर दिया. अब लेंथ तो नहीं चेंज हुई, क्या लेंथ चेंज हुई? लेंथ तो नहीं बदली ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. देखो लेंथ, बट कुछ तो चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ बताओ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. पहले मेरे पास वायर इस लेंथ की थी, अब मैंने एक और वायर लगा दी इसके साथ ऐसे, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया वायर का एंड लेंथ सेम रही मेरे पास. ऐसा ही हुआ ना, देखो डबल कर दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अब ये क्या कह रहे हैं फॉर्मूला हमारा, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टेंस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन? कि अगर एरिया को इंक्रीज कर देंगे, इफ एरिया विल इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. अच्छा, दोनों केसेस में एक ही वायर थी, इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी. क्या इसकी रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? मटेरियल. एक्सीलेंट, मटेरियल चेंज नहीं हुआ. क्या अभी इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट आया? No. क्यों नहीं आया? मटेरियल चेंज नहीं हुआ. ठीक है, समझ आई ये चीज? इज दैट क्लियर? चलिए, सिर्फ चेंज होती है रेजिस्टेंस. अब ये पार्ट क्लियर है. अब अगर मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, पहले इसका रेजिस्टेंस कितना बताया था मैंने आपको? टू ओम्स बताया था. अब मैंने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, अब कितना रेजिस्टेंस हो गया होगा इसका? वन ओम. आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. ठीक है, अगर 4 ohm होता पहले तो डबल करने से रह जाता 2 ohms. अब देखो क्या चीज है, ये मैंने बताया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाती है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने डबल किया और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी? हाफ हो जाएगी. ठीक है, डबल मतलब 10 ohm थी अगर रेजिस्टेंस तो 5 ohm रह जाएगी, 20 ohm थी तो 10 ohm रह जाएगी, आधी हो जाएगी. ऐसे हम ट्रिपल भी कर सकते हैं. ठीक है, देखो अगर मैं इसके साथ 3 wires लगा दूं, पता लग रहा है ना मैंने 3 लिए हैं. Yes. तो ठीक है, अब क्या होगा? अब तो 3 times बढ़ गया, अब तो ऐसे ही हो गया, लेंथ उतनी ही है, अब ऐसे ही हो गया. ट्रिपल कर दिया हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा. मतलब अगर पहले रेजिस्टेंस 30 ohm थी तो अब कितनी रह जाएगी? वेरी गुड, 10 ohm, 1/3 हो जाएगी. समझ आई बेटा ये बात? Yes. अब एक न्यूमेरिकल है, सॉल्व करते हैं फिर थोड़ा सा और इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज डबल्ड. वायर के क्रॉस सेक्शन को क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया और उसके लेंथ को सेम रखा गया. जैसे अभी मैंने दिखाया था वायर के ऊपर वायर रख दी, लेंथ सेम रही बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया. देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ओरिजिनल वायर इज 4 ohm. वो क्या कह रहे हैं, सपोज करो ये वायर आपकी ओरिजिनल थी, दिस इज द ओरिजिनल वायर और इसका रेजिस्टेंस था 4 ohms.
अब जब हमने इस वायर को डबल कर दिया इस तरीके से, दो वायर रखी ना अभी एक दूसरे के ऊपर, तो इसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो बताओ कितना होगा, कौन बताएगा? हाँ जी आधा हो जाएगा ना, डबल कर दिया, डबल करने से रेजिस्टेंस क्या रह जाता है, हाफ हो जाता है, इट विल बी 2 ohms. आया बेटा समझ? अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो यू नीड टू सॉल्व इट बाय स्टेप बाय स्टेप. फिर इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो सीधा आंसर लिखने से मार्क्स नहीं ना मिलेंगे आपको, यू नीड टू सॉल्व इट. ठीक है, तो अभी एक कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लियर हुआ? Yes. अगर मैं अब इसमें क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, इस वायर की लेंथ लेटर से एल थी, मैंने अब इस वायर को डबल कर दिया, इसकी लेंथ 2L कर दी, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? ठीक है, पहले 4 था, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया. लेंथ मींस इसका मतलब क्या है, लेंथ इज डबल्ड, अगर लेंथ को डबल कर दिया देन आर विल बी डबल्ड. ठीक है बेटा, तो लेंथ डबल कर दी, आर भी डबल हो गया. और अगर मैं इसको और स्ट्रेच कर दूं, और बड़ा कर दूं, 3L कर दूं लेटर से, उतना ही इंक्रीज होता जाएगा. मैंने इसको 3 times इंक्रीज किया, 3L कर दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 times 12, न्यू आंसर आपको मिलेगा 12 ohm. ठीक है, तो फिलहाल अभी आप डबल तक की प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते ट्रिपल का समझ आना शुरू हो जाएगा. क्लियर हो गया बेटा ये सब? नाउ 6th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ ओहमिक कंडक्टर रिप्रेजेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्लोप, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है बेसिकली, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या बताती है, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, या कितनी हीट प्रोड्यूस की गई है? रेजिस्टेंस. क्योंकि देखो वी आई ग्राफ है और वी और आई को यूज करके हम रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करते हैं. आर अभी कर रहे हैं ना बार बार फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, तो वी विल कैलकुलेट रेजिस्टेंस. 7th क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, डी है बोथ ए एंड सी. देखो अभी हमने किया आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज ये दिख रहे ऊपर, यहां पे लिख लेते हैं, आर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा, अभी बल्ब वाला क्वेश्चन किया था, टॉर्च बल्ब वाला, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बट थिकनेस के साथ रेजिस्टेंस हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है. समझ आया बेटा ये, विद थिकनेस रेजिस्टेंस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, सो द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी. ठीक है, नाउ कम टू एक्सर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स. अब मैं पूछूंगी एक क्वेश्चन क्लास में, ठीक है, बी अटेंटिव, किसी की भी टर्न आ सकते हैं. चलिए, क्लास 10th ई फ्रॉम क्रिश चौधरी, 10th ई क्रिश चौधरी, आर यू देयर बेटा? मैम ही इज नॉट देयर इन द क्लास, क्रिश ही इज नॉट, ही इज एब्सेंट टुडे. ओके, एनीवन, मनजोत कौर, 10th ई मनजोत कौर, यस, व्हाट इज एजर्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स, एजर्शन इज ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 8. ट्रू
After that, from 10th D, Gursimran will get ready. Gursimran. ठीक है बेटा, माइक के पास आ जाओ, इतनी देर मैं यहाँ से डिस्कस कर लूँ. इट्स ट्रू, द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ मटीरियल. ओके, एंड व्हाट वाज रीजन? द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ मटीरियल. Both are true. Both are true. Assertion is false and reason is true. Okay. अब चले जाइए बेटा, go back to your seat. हाँ जी, 10th D. गुरसिमरन? Yes, ma'am. हाँ बेटा बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ठीक दिया गया या गलत दिया गया? A is false, R is true. A is false, R is true. पहले गलत बोला था कि A true है. बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है. गुरसिमरन गो बैक टू योर सीट बेटा. रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है बेटा, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन. रेजिस्टिविटी है फर्स्ट क्वेश्चन में. रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस. अभी मैंने पेपर फोल्ड करके दिखाया था आपको, स्ट्रॉ दिखाई थी. मटीरियल चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी. सेकेंड रीजन इज Where for sure it's true. Question number 9. Yes, from 10th C, Mohit. 10th C, Mohit. Yes, beta. Question number 9th ka answer bataiye jaldi se. If the length of wire is halved, keeping the thickness same, then its resistance becomes halved. Yes, abhi abhi discuss kiya resistance aur length ka relation. Bataiye. नहीं पता? Assertion is true. Assertion is true. Okay. पहले वॉइस नहीं आ रही थी आपकी. Yes. What was reason? Resistance is directly proportional to length of wire. Yes, Mohit. Reason is also true. क्या बोला आपने, समझ नहीं आया? रीजन इज ट्रू. कैन द आंसर, अगर दोनों ट्रू है तो कौन सी ऑप्शन राइट जाएगी ए और बी इस केस में? ऑप्शन ए. ओके जी, वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट. द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 10th. यस, फ्रॉम 10th सी, वंशिका. 10th सी, वंशिका. आफ्टर दैट 10th D, get ready again. 10th D में से नवजोत. Yes, वंशिका, question number 10th. Assertion is false. Assertion is false, okay. Reason is true. Okay. Why assertion is false? Can you explain, वंशिका? B and I can be written on any side. On any side, very good. Question में बोला गया है कि V और I एक particular axis पर ही लिखे जा सकते हैं, कि Y axis के along हमेशा हम लेते हैं V और I X axis के along हमेशा I. But ऐसा नहीं है ना, हम यहाँ पर I और यहाँ पर V भी ले सकते हैं. Very good, वंशिका, go back to your seat. After that, 10th D. मैंने किसका नाम लिया था अभी? नवजोत. हाँ नवजोत. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th. क्वेश्चन नंबर 11th, फास्ट. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. ओके बेटा, आर इज आल्सो ट्रू. द सर्किट इज इनकम्प्लीट. इट्स राइट, अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो बर्ड को करंट लग जाएगा.
आपने हाई पावर केबल लाइन के ऊपर बर्ड को बैठा देखा है ना, क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अगर कहीं पे भी हल्का सा गैप आ जाए या सर्किट पूरा ना हो पाए, क्योंकि अर्थिंग नहीं होती है ना इसमें, वायर ऊपर केबल हैंग कर रही होती है। हाँ, अगर वो दो वायर्स आपस में टच कर गई, हैंग करती हुई वायर्स टच कर गई, देन द सर्किट विल कंप्लीट और बर्ड बेचारा पूरा जल जाएगा, इतनी वहां पे स्पार्किंग हो जाएगी। ठीक है, मजाए सर्किट इज इनकम्प्लीट। यस क्लास टेंथ बी, टेंथ बी कौन बताएगा? जशन कुमार। टेंथ बी जशन एब्सेंट। ओके निहार, टेंथ बी निहार, यस विच अ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट अबाउट एजर्शन, इज इट ट्रू और फॉल्स? बेंडिंग ऑफ अ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यस टेल मी? फॉल्स। फॉल्स, कोई एक्सप्लेन करोगे मुझे क्यों फॉल्स है बेटा ये? व्हाई इट इज फॉल्स? यस सुन के थोड़ी आंसर देना है, रीजन भी तो चाहिए मुझे क्यों फॉल्स है। कैन एनीवन एक्सप्लेन? इट इज राइट, इट इज फॉल्स और नहीं, इट इज ट्रू। बेंडिंग ऑफ अ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट इज नॉट फॉल्स, इट इज ट्रू। कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाई इट इज ट्रू? एनी सेक्शन, जस्ट रेज योर हैंड अगर किसी को पता है तो। मैंने आंसर भी दे दिया, इट्स ट्रू। ओके देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में मुझे ये बताइए क्या बेंड करने से वायर की लेंथ चेंज हुई? लेट अस से आई हैव दिस वायर, मैंने इसको हल्का सा बेंड किया, क्या इसकी लेंथ चेंज हुई कहीं से? नहीं, ये तो स्ट्रॉ है ना, मेरे दबाने से बीच में दब रहा है, क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ बताइए? नहीं हुआ। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा, बेंडिंग ऑफ अ वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इट्स ट्रू। रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, मटेरियल बदल रहे हैं, वही पाइप है मेरे पास, वही स्ट्रॉ है, वही मेटल की पाइप है, वही मेरे पास इसका टेम्परेचर है अभी, ना मैंने इसकी लेंथ चेंज की, ना मैंने इसकी थिकनेस को चेंज किया। जब मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया तो रेजिस्टेंस क्यों बदलेगा, है ना? रेजिस्टेंस का हमने किया ना, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करते हैं? लेंथ पे। क्या ये मैंने चेंज की, लेंथ चेंज हुई? नो। हुई क्या? थिकनेस चेंज हुई? नो। नहीं हुई। क्या मटेरियल चेंज हुआ? नो। नहीं हुआ। क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? नो। तो जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगा भाई? वो भी चेंज नहीं होगा, इट विल ऑल्सो रिमेन सेम। ठीक है, समझ आई ये बात? रीजन, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। ये मिसप्रिंट लग रहा है मुझे तो कुछ यहां पर, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। नो, ये नहीं होगा बेटा, इट विल ऑल्सो बी ट्रू, आई विल चेक द टर्म क्या होगी यहाँ पे। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी भी आ सकता है। रेजिस्टिविटी में हमारा ये फैक्टर आ गया ना, लेंथ एंड थिकनेस। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सो राइट आंसर विल बी ए। ठीक है जी, नाउ केस स्टडी। केस स्टडी, किसी को डाउट है बेटा अभी तक टिल 12th क्वेश्चन? कोई पूछना चाहता है, कोई रेपिटेशन चाहता है किसी क्वेश्चन की? क्वेश्चन नंबर 1 to 12, यस नो वन? चलिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर, फटाफट से एक बार रीड कर लीजिए पैराग्राफ, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर। जल्दी से
कर लिया बेटा रीड कंप्लीटेड. चलिए क्वेश्चन नंबर 13. टू कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 100 मिली सेकेंड. द करंट इन द सर्किट इज. चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए कितना आएगा इसका. 20 एम्पियर. ओके विल चेक कि राइट है या नहीं है. हाँ जी बेटा बाकी सब भी कर लीजिए. चार्ज गिवन है आपको करंट गिवन है एंड लुक एट द यूनिट ऑफ करंट इज इट इन करंट नहीं टाइम गिवन है. करंट टाइम आपको क्या इसकी एसआई यूनिट में दिया गया. टाइम आपको कितना दिया गया है बोलो. 100 मिली सेकेंड राइट. एंड आपको चार्ज कितना दिया गया है. चार्ज इज 2 कूलम. किसी का आंसर आया. हमें कैलकुलेट करना है करंट. आई हमें फाइंड करना है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आई. कल हमने किया था आई इज इक्वल्स टू टी. ठीक है. नाउ टाइम इज नॉट इन इट्स एसआई यूनिट सो वी विल कन्वर्ट दिस टाइम into its SI unit. 4 millisecond we use 10 raised to power minus 3. ये बन जाएगा हमारा this much second. So now Q is 2, T is 100 into 10 raised to power minus 3. तो ये 10 raised to power minus 3 जब numerator में आएगा तो it will become positive and denominator is 100. Two zeros will cancel out. Only 10 will left. So the right answer is 20. What will be its unit? Ampere. क्योंकि current निकाला है हमने. So I is 20. Ampere is your right answer. Now the question number 14. Which of the following is true? ये तो अब सबका होना चाहिए बेटा. Should I rub it? चलिए note कर लीजिए अगर कोई कर रहा है तो. Otherwise, start with the question number 14. चलिए क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. यस व्हाट विल बी द राइट आंसर. ऑल ऑफ दीज. ओके सबको पता है कैसे आया ये ऑल ऑफ दीज. ये कल हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में यही सब कुछ डिस्कस किया था. ठीक है. द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सेइंग करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल आउटसाइड द सेल. सी दिस बिगर लाइन रिप्रेजेंट पॉजिटिव and the smaller line represent negative and the current is moving from positive to negative. Ab iske andar aa jayega current then move here here and then here. So positive terminal se start hua then moves outside the circuit and comes back to negative side of the cell. So first part is very true. The negative charge moves from lower potential to higher potential. Ye bhi theek hai humne book kal padha tha. इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड. तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है दिस शोज लोअर पोटेंशियल. पॉजिटिव साइन शोज हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड. इज इट क्लियर. नाउ द सी पार्ट. The direction of flow of current is same as a direction of flow of positive charge.
हमने कल पढ़ा था करंट फ्लोज टू द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस। तो ये कहाँ जा रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑल थ्री आर ट्रू। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर इफ। तो बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। करोगे जल्दी से? फाइव वोल्ट, सिंपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फाइव वोल्ट बिल्कुल, एक सिंपल सा ही फॉर्मूला हमारा लगेगा इसमें। V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इन अ कंडक्टर ऑफ 1 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। बेटा दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू एक्चुअली। When there is a current of 1 ampere, the number of electrons are basically 6.25 into 10 raised to power 18. Right, beta? Yes. Okay. So the right answer is C. Okay. When 1 ampere of current is there, usme charge ki value likh lijiye beta. Q aapka hota hai 1 coulomb. Okay. Then अगर I 1 एम्पियर गिवन हो, Q आपको 1 कूलम गिवन हो, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज दिस मच। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है? अब देखो कैलकुलेशन में कैसे होगा। नाउ यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू N इनटू E। नाउ Q इज 1 एंड वी हैव टू कैलकुलेट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 5.6 10 raised to power -90। बस इसको आपने सॉल्व करने, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा सारा, ठीक है? इक्वल्स टू एन। व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस आंसर, राइट बेटा? यस। चलिए समझ आ गया सबको। सो वी आर फिनिश विद द वर्कशीट, स्टिल सम टाइम इज लेफ्ट। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3, दो छोड़े थे अभी हमने क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जल्दी से बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, अगर किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, एक वायर है मेरे पास मेटल की, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, अगर किसी वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, पहले 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, मैंने उसको स्ट्रेच किया वो 10 सेंटीमीटर की हो गई है, तो क्या उस क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी, कौन कौन से फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे? लेंथ चेंज हो गई, वेरी गुड। क्या मटेरियल चेंज हुआ? No. क्या टेम्परेचर चेंज हुआ? No. क्या थिकनेस चेंज हुई? Yes. ठीक है, कोई भी आपने नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा च्युइंगम वगैरह, अगर आप कुछ भी क्ले हो गई, च्युइंगम हो गई, उसको स्ट्रेच करो तो पतली हो जाती है, होती है ऐसे? मतलब कोई भी चीज अगर आप स्ट्रेच करोगे, तो रबर बैंड देख लो, आपके पास रबर बैंड है, उसको स्ट्रेच करोगे तो बीच में से उसकी थिकनेस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो एक स्टेज पे आके वो टूट जाएगा। टूटा क्यों? क्योंकि वहां से उसकी थिकनेस बहुत कम हो गई। तो स्ट्रेचिंग ऑलवेज लीड्स टू डिक्रीज ऑफ थिकनेस। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि डबल ऑफ इट्स लेंथ तक तो स्ट्रेच कर दिया, तो बच्चे क्या करते हैं, लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भूल जाते हैं। नहीं, अगर स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डेफिनेटली कम होगा। आई विल गिव यू क्वेश्चन टुमारो रिलेटेड टू दिस, ठीक है? कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है जी? मुझे एक बार याद करवा देना, मे बी इन योर नेक्स्ट वर्कशीट क्वेश्चन विल बी देयर। अगर नहीं हुआ तो एक बार मुझे रिमाइंड करवाना ये वाला क्वेश्चन करवाने के लिए, ठीक है? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कल आंसर डिस्कस करें इनके, ठीक है? चलिए, वी विल डिस्कस द आंसर्स टुमारो, सो फॉर टुडे इट्स इनफ।
कल बेटा एक बार रिवाइज जरूर करके आना सारा कुछ, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है? और आपके न्यूमेरिकल्स तभी अच्छे से हो पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज होंगे, ठीक है? एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए बेटा, हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला भी होता है, दैट इज रेजिस्टिविटी लेंथ इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है? सो द रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा बेंड करके लिखते हैं, दैट इज पी की तरह होता है, थोड़ा बेंड करके लिखा जाता है, लेंथ इज एल एंड एरिया इज ए। दिस इज वन मोर फॉर्मूला टू फाइंड रेजिस्टेंस। जब आपको करंट एंड पोटेंशियल गिवन नहीं होगा तब हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो यू हैव टू फॉर्मूलाज, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, डिपेंडिंग न्यूमेरिकल में वी और आई गिवन है या लेंथ ऑफ एरिया गिवन है, लेंथ या एरिया, अकॉर्डिंगली हम रेजिस्टेंस की फॉर्मूला को पिक करते हैं, ठीक है जी? चलिए, सो बाय एवरीवन, बाय, ओके, हैव ए नाइस डे।